हेलो एवरीवन। तो आज मैंने दही भल्ले बनाए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं ये रेसिपी शेयर करूं। तो मैंने दाल, उड़द दाल भिगो के रख दी थी, मैंने उड़द दाल के बनाए हैं। तो देखो, मैंने इसको पीस लिया है और अलग बर्तन में निकाल लिया है, और इसमें मैं थोड़ी सी सूजी डालूंगी। सूजी से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस मैंने आज, ठंडा मौसम तो नहीं था, गर्म था, इसलिए मैंने सोचा आज दही भल्ले बना कर खाते हैं ठंडा ठंडा। नहीं तो क्या होता है आजकल, थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम रहता है तो नहीं अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें, गरम गरम अच्छी लगती है। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च और हरी मिर्च काट के मैंने इसमें डाल दिए। तो मैं इसको थोड़ी 10-15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। तो इसको मैं रख दूँगी, बाद में देखूँगी। तो इधर मैंने दही में डालने के लिए देखो, काला नमक, पुदीना और अदरक, काची मिर्ची और जीरा पाउडर रखा था। तो मैंने देखो यहाँ पे दही को अच्छे से मैंने मिला लिया है, और मैं ये सब इसमें डाल दूँगी। थोड़ी सी अदरक है, तो ये दही में सब डाल के मैं मिक्स कर दूँगी। मैंने दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के। तो ये पैकेट वाला दही था, तो थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा आता है पैकेट वाला दही। तो मैंने इसमें नमक डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है और वही सब डाल, जो नमक डाल दिया मैंने इसमें। और तो मैं यहाँ घी गरम कर रही हूँ, मैं घी गरम करके इसमें थोड़ी सी राई डाल दूँगी, और ये सूखी मिर्ची है दो, तो मैं इसको तोड़कर ये भी डाल दूँगी इसके अंदर, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दूँगी। तो कड़ी पत्ते से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत खुशबू भी अच्छी आती है कड़ी पत्ते से। तो मैं इसका दही में छोंक लगा दूँगी। तो मुझे देखो इसमें ऐसी आग सी लगी, तो मुझे तो डर लगा कि पता नहीं क्या हुआ होगा। देखो तो मैं इसमें डाल दिया है, और मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी डाली थी, डाल भी सकते हो। तो मैंने उधर दही को बनाया, रायता बनाया उसका दही भल्ले के लिए। तो तब तक इसका मैं इसको मैं रख दी थी। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं बेकिंग सोडा डाल दूँगी। बेकिंग सोडा तब भी यूज करना चाहिए जब हम उसको बनाए, तब पहले नहीं करना चाहिए। और इधर मैंने एक टोप में ठंडा पानी रख दिया है, और मैंने कढ़ाई लगा दी थी पहले ही, तेल लगा दिया था। तो देख रही हूँ कि गर्म हुआ कि नहीं, तो तेल गर्म हो चुका है। तो देखिए, अब हमें इसे ऐसे हाथ से ले कर और धीरे धीरे तेल में डालेंगे। तो तब देखो अच्छा तेल अच्छा गरम है, जब हम डालें तो तेल अच्छा गरम होना चाहिए, फिर हम इसको स्लो कर देंगे गैस को। तो बस आप देखिएगा इसका ब्राउन कलर हो जाए, तब तक हमें इसको तलना है। और बहुत अच्छे लगते हैं, आप बनाकर देखना। और अभी सावन चल रहा है, तो हम प्याज वगैरह कुछ नहीं खा रहे हैं, वरना हम प्याज डालकर खाएं ना तो बहुत टेस्ट लगता है इसमें। आप कभी डालकर देखना, प्याज उसके ऊपर सॉस डालो, भुजिया डालो, जो भी आपको पसंद हो वैसा आप डालकर खा सकते हो। तो मैं इसको निकाल निकाल कर पानी में डाल दूँगी, पानी में ये फूल कर और भी मोटे मोटे हो जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए ये नीचे से सिक चुके हैं, आपको मैं दिखाती हूँ, ब्राउन हो चुके हैं। तो मैं इसको पलट दूँगी, तो आप इसको धीरे धीरे छन्नी की सहायता से आप इसको पलट दो। और इसको ज़्यादा हमें ऐसे कुछ हिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब ये सिक जाएंगे ना तो ये अपने आप ही अपनी जगह छोड़ देंगे। तो देखिए इसका ब्राउन कलर हो चुका है, बस ये एक ना, मैं इसको कब से बस सीधा करना चाह रही हूँ, लेकिन ये सीधा नहीं हो रहा है, बस उल्टा ही पड़ा हुआ है, इसको ज़बरदस्ती मैंने किया था। तो बस ये हो चुके हैं, और थोड़ा सा हो जाने देते हैं। तो मैंने सोचा आज चलो आप बनाकर आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूं, तो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। और एक बात और बताऊं मैं, नमक में आप, सॉरी, तेल में अगर नमक डालोगे ना आप, तो जो भी चीज़ बनाओगे वो तेल बिल्कुल नहीं सोखेगा, वो उसमें तेल बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मैंने ये ट्राई किया है, मैं भूल गई थी, मैंने अभी डाला है आपको दिखाया। तो ये ज़रूर करना आप लोग, तेल में थोड़ा सा नमक ज़रूर हमेशा डालना चाहिए, ये सॉफ्ट भी होंगे, और जो भी हम पकोड़े की समोसे कचौरी कुछ भी तले तो उसमें तेल नहीं रहेगा। तो बस मैं ये निकाल निकाल कर इसको ठंडे पानी में डाल दूँगी, तो ये ठंडे पानी में सॉफ्ट भी हो जाएंगे और फूल भी जाएंगे। तो ये ज़रूर आप करना। तो मैंने इधर डाल दिए हैं निकाल निकाल कर,
तो बस ये जब तक फूलेंगे तब तक मैं इधर और डाल दूंगी, और इसको निकाल निकाल के फिर दही में डाल देंगे हम। दही में डाल कर फ्रिज में रख देंगे तो ठंडे ठंडे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो प्लीज़ आप ये ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मैं इधर से और डाल दूँगी इधर, वो तब तक फूल जाएंगे तब तक ये भी सीख जाएंगे। तो बस यही चल रहा है काम। तो देखिए ये फूल गए हैं, तो मैं इसको इसका पानी पूरा इस चम्मच की सहायता से पूरा निचोड़ के मैं दही में डाल दूंगी। और देखिए फूले फूले सॉफ्ट सॉफ्ट हुए ना। तो आप भी जब बनाओ ना तो पानी में ज़रूर ठंडे पानी में इसको का निकालते ही बस दही में डाल दो। तो बस मैं सबको दही में डाल दूंगी। तो दही बड़े रेडी है, तो आ जाइए खा लीजिए आप। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके बाय, आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म, फिर मिलेंगे।